सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस को लोकली, वो भी अपने कंप्यूटर पर। तो गाइस, अगर आपको सीखना है तो आप अपने लैपटॉप पर सीख सकते हो, आप डायरेक्टली लोकली इंस्टॉल कर सकते हो। ये कहीं पर भी होस्टेड नहीं होगा, ये आपके लैपटॉप में होस्टेड होगा। तो गाइस, इसे कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है डोमेन खरीदने के लिए, होस्टिंग खरीदने के लिए, तो आप इस चीज़ से सीख सकते हो कि कैसे हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं और कैसे उसे होस्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर अच्छी सी वेबसाइट बना लेते हो, उसके बाद जाकर आप अगर डोमेन खरीदते हो, होस्टिंग खरीदते हो, तो आप इस वेबसाइट को भी वहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो और होस्ट कर सकते हो। तो चलिए दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है सारी चीज़ें। तो फॉलो कीजिए इस वीडियो को गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो ये है कि आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और कुछ फाइल्स को आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको सिंपली गूगल में यहाँ पर टाइप करना है Xampp। तो Xampp टाइप करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो इस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगी, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट वर्जन्स, यानी कि प्रीवियस वर्जन और लेटेस्ट वर्जन। तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट वाला जो है 7.3 आपको वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ये बहुत टाइम बाद देख रहे हो वीडियो, तो नेक्स्ट अपडेट भी आ चुका होगा, तो आप वो वाला ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट ऐप खुलता है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, तो हमें और एक चीज़ डाउनलोड करना है। तो सेकेंड टैब में हम यहाँ पर टाइप करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। ओके गाइस, क्योंकि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले, तो जाहिर सी बात है हमें वर्डप्रेस की फाइल भी चाहिए। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस की फाइल को। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वन क्लिक में आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे ORG की, तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड वर्डप्रेस के नाम का, ब्लू बटन। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो वर्डप्रेस की जो जिप फाइल होती है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्लिक कर दिया है और दोनों फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइज, ये फाइल्स डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी, तो थोड़ा वेट कीजिए। जब तक ये फाइल्स आपकी डाउनलोड प्रॉपर नहीं हो जाती, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पर देखिए Xampp सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पर देखिए Xampp की exe फाइल आ चुकी है 64 bit, तो इसे डबल क्लिक मार के इंस्टॉल कर लेते हैं हम सिंपली। तो सबसे पहले आपको यही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिटनामी नाम का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, तो इसे ओके कर दीजिए जो भी आए प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। जैसे आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर उनकी वेबसाइट ओपन हो गई, तो बैक कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो ये कुछ टाइम लेगी गाइस, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगी। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे फटाफट से हो जाए। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाती। देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलाव एक्सेस कर देना है आपको यहाँ पर, तो अलाव एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अलाव एक्सेस करोगे, तो आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने के बाद यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। जैसे आप फिनिश करोगे, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्रोम वगैरह कैंसिल कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, क्योंकि डाउनलोड हमारी दोनों चीज़ें जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्लोज कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, अपाची और MySQL। तो आपको दोनों को स्टार्ट कर देना है, ध्यान से देख लीजिए, अपाची और MySQL आपको दोनों को स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट कर देना है।
इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को आपको मिनिमाइज़ कर देना है। तो चलिए मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर अलाउ एक्सेस कर दीजिए स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको गाइस। इसके बाद इसे हाइड कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर जाना है सी ड्राइव में, ओके। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जाना है जैम्प फोल्डर में, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा HT Docs करके, तो उसमें आपको चले जाना है। तो यहाँ पर आपको जो आपने जो वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड की है जिप फाइल, वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। तो चलिए बताता हूँ कैसे करना है वो भी। तो हम चलते हैं अपने डाउनलोड सेक्शन में, तो हम ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र को, और यहाँ पर जाते हैं डाउनलोड्स, और इस फाइल को यहीं से हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जिप फाइल में है, तो इसे जो है सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे मूव करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं। गाइस तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस 5.1 का एक 5.1 का आपको यहाँ पर फोल्डर मिलेगा, तो उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक वर्डप्रेस का फोल्डर मिलेगा, तो इसे आपको कट करना है या फिर कॉपी करना है, और आपको सी ड्राइव में जैम फोल्डर में HT Docs फोल्डर में आपको इसे पेस्ट करना है। तो आप देख लीजिए ऊपर पाथ सी ड्राइव जैम फोल्डर HT Docs फोल्डर में आपको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हम पेस्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो पेस्ट होने के बाद आपको ये वर्डप्रेस का नाम जो है वो चेंज कर लेना है। आपको जो वेबसाइट का नाम देना है वो आप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर महेश लिख देता हूँ, ठीक है, मेरा नाम लिख देता हूँ। तो आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बस आपको याद रखना है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है गाइस, हमारा अपाचे और MySQL ऑन है, तो आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। तो सारी टैब को मैं क्लियर करके यहाँ पर टाइप करता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, और कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको टाइप करना है लोकल होस्ट और एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप लोकल होस्ट करके एंटर करोगे तो जैम्प का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। इसका मतलब आपने सारी चीज़ें परफेक्ट की हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गाइस मिलेगा PHP माई एडमिन का ऑप्शन राइट साइड में, देख सकते हैं आप, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और सबसे पहले हम अपना डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटाबेस का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा, अगर आपको क्रिएट करना है तो हम नाम दे देते हैं उसे। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट जो है डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटाबेस का नाम WP, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि आपने क्या रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर WP रख के क्रिएट कर दूंगा, बाकी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट WP रख के क्रिएट कर देना है। जैसे ही क्रिएट हो जाता है आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे WP क्रिएट हो चुका है, यानी कि आपका डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। तो चलिए वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश महेश, तो जैसे मैंने नाम रखा था वेबसाइट का, वो आपको टाइप करना है, जो आपने रखा होगा वो आपको लोकल होस्ट स्लैश जो आपने वेबसाइट का नाम रखा था वो, ठीक है। तो यहाँ पर महेश मैं एंटर करता हूँ, देख सकते हैं वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पेज आया। तो लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए लेट्स गो पे क्लिक कर देना है आपको, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब ये पूछ रहा है डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम में आपको लिखना है आपके डेटाबेस का नाम जो आपने क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WP, क्योंकि मैंने WP क्रिएट किया था, ओके। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यूज़र नेम आपका रहेगा रूट, और पासवर्ड में आपको कुछ नहीं लिखना है, पासवर्ड आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से लिख लेते हैं, यूज़र नेम रूट और पासवर्ड आपको ब्लैंक रखना है। उसके बाद यहाँ पर लोकल होस्ट सही है, WP सही है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये इतना प्रॉपर आपको करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको बताएगा रन इंस्टॉलेशन, ये आने के बाद समझ लीजिए आपका डेटाबेस प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है वर्डप्रेस के साथ, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा वर्डप्रेस का लॉगिन पेज, यानी कि लॉगिन साइनअप पेज। तो यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम एडमिन जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें, यूज़र नेम पासवर्ड और ईमेल आईडी आप डाल दें, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो ये आप अपने हिसाब से डाल लें, आपको जो भी यूज़र नेम पासवर्ड रखना है आप रख सकते हैं, और ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा नहीं तो एरर आएगा। तो ईमेल आईडी डालेंगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ फटाफट से,
ओके गैस, तो यहाँ पर देखिए अब ये बोल रहा है कि लॉगिन कीजिए, आपका सेटअप हो चुका है, तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड का लॉगिन पेज। यहाँ पर आपको लिखना है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन कर लेना है। तो आपका प्रॉपर यहाँ पर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए बता देता हूँ। जैसे आप इसे लॉगिन करोगे आपका आ जाएगा डैशबोर्ड, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है और हमारी वेबसाइट भी बन चुकी है। तो आपको यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट भी देख सकते हो। आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल सी वेबसाइट है, अभी कुछ भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड का यूज़ करके वेबसाइट में थीम अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट अपलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप नॉर्मल एक वर्डप्रेस वेबसाइट में करते हो। तो अगर आपको सीखना है तो आप इस तरह से सीख सकते हो। तो चलिए हमने पूरा क्लियर कर दिया है, अब आप यहाँ से कैसे एक्सेस करोगे अपनी वेबसाइट को। तो आपको लिखना है localhost/mahesh। तो जैसे आप महेश एंटर करोगे आपकी आ जाएगी वेबसाइट। अगर आपको वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल यूज़ करना है, डैशबोर्ड पैनल यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, localhost/mahesh/wp-admin ये आपको URL यहाँ पर टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आप आ जाओगे wp-admin में, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है इस वर्डप्रेस को। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है महेश टेक्निकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।